हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन इंप्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग डिकोडर तो बिफोर इंप्लीमेंटिंग हाफ एडर यूजिंग डिकोडर हम उसे की सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर हाफ एडर इज यूज फॉर टू बिट एडिशन ठीक है दिस इज यूज फॉर टू बिट एडिशन नाउ ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल ठीक है इनपुट्स आउटपुट्स दिस इज यूज फॉर टू बिट एडिशन मीन्स की टू इनपुट्स होंगे ए एंड बी आउटपुट्स भी टू होंगे फर्स्ट इज सम सेकेंड इज कैरी ठीक है टू इनपुट है मीन्स की फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन नाउ जीरो प्लस जीरो सम इज जीरो कैरी इज जीरो जीरो प्लस वन सम इज वन कैरी इज जीरो इज वन कैरी इज जीरो कैरी इज हाई ठीक नाउ अगर हम इनका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें सम का एक्सप्रेशन क्या लिखे मिलेगा सम इज इक्वल टू हम दो तरीके से लिख सकते हैं एक तो हम कॉम्बिनेशन ले लें अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे तो दिस इज जीरो वन टू एंड थ्री ठीक है तो ये वन कहाँ पर हुआ फॉर वन के लिए एंड फॉर टू के लिए ठीक तो हम लिख सकते हैं समीशन एम वन एंड टू और वी कैन राइट इन एक्सप्रेशन फॉर्म तो फॉर दिस कॉम्बिनेशन ए इज ए बार बिकॉज दिस इज जीरो एंड बी इज वन मीन्स बी तो यहां हो जाएगा ए बार बी प्लस फॉर दिस केस ए बी बार ए बी बार ठीक आप ये लिख सकते हो ठीक नाउ फॉर कैरी कैरी के लिए हमें एक ही हाई मिला है कहा लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड के लिए मीन्स की अगर हमें वेरिएबल्स तो के फॉर्म में दिस विल बी ए एंड बी बोथ इक्वल टू वन है तो ये होगा ए बी ठीक अब यहाँ पर फोर कॉम्बिनेशन है मीन्स की हमें कौन सा डिकॉर्डर चाहिए होगा टू इनपुट है फोर कॉम्बिनेशन है मीन्स कि हमें रिक्वायर्ड होगा टू इज टू फोर डिकोडर ठीक है दिस इज द दू इज टू फोर डिकोडर टू इन टू फोर क्लियर यहां पर आपके टू इनपुट्स क्या क्या होंगे ए एन बी जो यहां पर हमारे एज अ इनपुट थे फॉर हाफ एडर फोर आउटपुट्स होंगे दिस इज वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री ठीक फॉर सम हमारा जो एक्सप्रेशन है फॉर सम एक्सप्रेशन है एंड आउटपुट ऑफ ऑरगेट इज समर एंड कैरी वाई थ्री थ्री मिला था तो दिस इज कैरी ठीक थैंक यू दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ हाफ एडर यूजिंग डिकोडर थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन